हेलो हेलो, मैं हूँ जेडी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पत्ते की बात। तो आइए चलिए इस पोकर की दुनिया में जहाँ किस्मत से ज्यादा दिमाग काम आता है। वेलकम गाइस, और अगर मुझे बोला जाए पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल का सबसे इंटरेस्टिंग हैंड अभी तक का पकड़ पाऊं तो ये होने वाला है। ये हैंड खेला जा रहा है 6 मैच सिटिंग गो में, जहां सिर्फ 2 प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी हम उस बबल में चल रहे हैं जहां पर थर्ड को कुछ नहीं मिलेगा। निकिता मिडलिंग स्टैक है, वैभव के पास सबसे ज्यादा चिप्स हैं और आदित्य सबसे शॉर्टेस्ट स्टैक है। तो चलिए इस हैंड को खेलते हैं। वैभव स्मॉल ब्लाइंड में है, आदित्य अपना हैंड फोल्ड कर चुके हैं एंड वैभव अगेंस्ट निकिता खेल रहे हैं आउट ऑफ पोजिशन। वैभव के पास काफ़ी टाइम यहाँ पर मेरे हिसाब से रेजेस होने चाहिए क्योंकि वो चिप लीडर हैं, थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन वैभव डिम स्ट्रैटेजी हमेशा से खेल रहे थे स्मॉल ब्लाइंड में, तो वो वही कंटिन्यू करते हुए एंड यहाँ लिम्प किए हैं। काफ़ी अच्छा बोर्ड है उनके लिए, 2 पेयर लगाए हैं एंड वैभव की यहाँ पर मिनिमम बैटिंग रेंज बहुत वाइड होगी क्योंकि वो जानते हैं निकिता का ज़्यादा कंटिन्यू कर ही नहीं सकती है। पर निकिता के पास 8 पेयर है, कंटिन्यू किया और ट्रिप्स लगाए हैं, लेकिन वैभव ने तो फुल हाउस लगा दिया। मैं जब हैंड एक्चुअली देख रहा था लाइव स्ट्रीम पे जब चल रहा था, तो वैभव ने जितनी बातें करी इस हैंड में, वो तो जिस तरह वैभव ने हैंड खेला है मैं तो फैन बन गया। तो वैभव यहाँ पर भी टर्न पे अब चेक करते हुए वही निकिता बोली उन्हें, फ्लॉप पे तुम मिन बेट कर रहे हो, ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, कुछ नया सीखो, 2021 आ गया है। और वैभव टर्न पे फुल हाउस लगा के लो चेक। अब निकिता को यही बोला कि मैं क्या ऑल इन कर दूं क्या। तो निकिता अब यहाँ पर ट्रिप्स लगा के तो बहुत ही खुश हैं, वो अब किसी भी एस या किंग को हरा रही हैं। नाउ शी इज वैल्यू बेटिंग बिग। वो चाहती हैं वैभव अपना एस या किंग से कंटिन्यू करे, शी गोज फॉर द बिग साइजिंग। और वैभव जिनको पता है निकिता के पास यहाँ एसेज या किंग्स या पॉकेट एट्स हो ही नहीं सकते कभी, तो ही इज जस्ट ट्रैपिंग अभी पूरी गप्पे मारते हुए सिर्फ कॉल करते हैं रिवर क्वीन। अब स्ट्रेट पॉसिबल है लेकिन बहुत अनलाइकली है किसी के पास, और वैभव बहुत जल्दी चेक करते हुए। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। और जिस तरह निकिता खेली है एक्चुअली लग रहा है निकिता के पास या तो एस है, जो किकर अब तो अपग्रेड हो चुका है 8 आने से, तो एसेज एंड 8 द किंग किकर होगा जो जिस तरह वो बहुत सारे हैंड्स चॉप करेंगी, या उनके पास ही 8 है क्योंकि उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग लाइन ले ली है इस बबल स्पॉट में। देखिए क्या होता है। एंड निकिता भी बोल रही है अगर चेक कर दी मैं हैंड कैसे जीतूंगी, मेरे पास तो सिर्फ 9 हाई है, काफी अच्छी बड़ी सी बेट। एंड वैभव भी अपना पूरा एनालाइज करते हुए कि तुम यू कांट बेट नट्स, नट्स तो यहाँ पर एसेस और किंग्स होंगे, वो जो जानते हैं निकिता के पास वो हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर बस वो हॉलीवुड कर रहे हैं, चेक रेस तो कर ही रहे हैं, बस निकिता को थोड़ा यहाँ हॉलीवुड करवा रहे हैं। और कहते हैं फोल्ड कर सकती है निकी और ऑल इट। I have everything in this world. वैभव को देखिए यहाँ पर पूरा, और निकिता टाइम बैंक भी कम है इनके पास। निकिता पूछ रही है जैक 10 फोल्ड करा रहा है, जैक 10 वेरी अनलाइकली निकी हैंड, एंड यहाँ पर निकिता का टाइम कम होते हुए अब देखिए इस हैंड के एनालिसिस ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वैभव ने पूरा एनालिसिस हमारे लिए कर ही दिया। वैभव सीधा बोला है कि निकिता तुम्हारे पास एसेस कभी नहीं है, तुम्हारे पास किंग्स कभी नहीं है, तुम्हारे पास एट्स कभी नहीं है, तुम्हारे पास तो बड़ा एस भी अनलाइकली है इस स्पॉट में। एंड ही इज लिटरली नाउ टारगेटिंग एन 8 इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लाइन निकिता इज टेकिंग, बेटिंग अगेंस्ट द चिप लीडर बिग ऑन द टर्न एंड रिवर पे भी बेट करते हुए। एंड इनको पता ही है कि अब 8s फुल ऑफ किंग्स, इससे बड़ा हैंड निकिता के पास यहाँ हो ही नहीं सकता, सिर्फ वो 8 से फुल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश।
एंड मेरे हिसाब से निकिता के पास अगर यहाँ टाइम बैंक होता तो वो फोल्ड कर दी। ये स्पॉट पे ब्लफ करना बहुत मुश्किल है। इफ समवन्स पॉसिबल टू डू द ब्लफ वो है वैभव, लेकिन इस बार उनके पास था।